नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं जो 10 मिनट का चैलेंज है आर्य योग द्वारा, उसको कंप्लीट करने का प्रयास रहेगा, वो भी 10 मिनट से पहले। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले भी किया था तो उसमें 11 मिनट लग गया था और उसमें एक्स्ट्रा कुछ किया था, बट अभी मेरा प्लान यही है 101 करूँगा। ठीक है, हिंदू पुशअप्स और नॉर्मल पुशअप्स, तो और 10 मिनट से पहले करना है, मेरा ये प्रयास रहेगा। और टाइमर सेट है इसमें, ठीक है, 10 मिनट आप देख रहे हो, उसको ऑन करते बिना टाइम गवाए। ठुमक ठुमक नैनन को क्या ठुमकावे, तेरे हाथ कबीरा नहीं आवे। श्री कृष्ण ने औधव को एक प्यारी कथा सुनाई। भगवान जब नर नारायण के रूप में तप कर रहे थे बद्रिका आश्रम के तरफ, वही श्याम बलराम हुए। उनके तप को भंग करने के लिए देवेंद्र ने कुछ अप्सराएं भेजी, लेकिन नर नारायण ने चित्त से पार का जो सुख पाया था, निर्विकल्प सुख जो पाया था, वो क्रिया के सुख में कैसे गिर सकते हैं। नर नारायण ने आंख उठाकर देखा नहीं, वो अप्सराएं निराश होकर गई, फेल हो गई। फिर इंद्र ने दूसरा जत्था भेजा, वो भी फेल हो गया। ऐसे जत्थे पे जत्था, जत्था पे जत्था, 16,000 भेजी। कामदेव को भेजा, रति को भेजा, लेकिन महाराज को नर नारायण अपने सहज स्वरूप से नीचे नहीं आए, अपने तत्व से सविकल्प में और सविकल्प से भाव में और भाव से क्रिया में नहीं आए। और होता ऐसा है, पहले आपके तत्व में होते हो, फिर विकल्प होता है भोग का, फिर भाव होता है, फिर क्रिया होती। श्री राम। अब क्रिया में उलझ गए तो क्रिया को थामो, भाव में आओ, भाव को बदलो, समाधि में आओ, समाधि को बदल के तत्व में चले जाओ, बस आप नर नारायण रूप हो जाओगे। श्री राम। भूलिया जब आपनू तभी होया खराब, ये गुरु नानक देव ने कहा। जब हम अपने निज स्वरूप को भूलते ना, तभी हम खराब होते हैं। महाराज नर नारायण भगवान को उन्होंने विचलित करने की कोशिश की, लेकिन नर नारायण अचल रहे। आखिर देवेंद्र आया और प्रार्थना की कि भगवान ये सब अप्सराएं हैं, इनमें से कुछ अप्सराओं को छोड़ के जाता हूं, तुम्हारे आश्रम की शोभा बढ़ाएंगे। तब नर नारायण ने कहा, कह रहे ये मेरे आश्रम की शोभा बढ़ाएंगे कुतिया, जरा आंख मूंदा। तो अपने उर से एक महातेजस्वी अप्सरा बनाई, जिसका नाम उर्वंशी रखा गया। अपने उर से पैदा की, संकल्प बल से उर्वंशी पैदा हुई, प्रकट हुई, तो जैसे तारों की टिमटिमाहट अंधेरी रात में प्रभाव रखती है, लेकिन जब पूनम की रात होती है, पूर्ण चंद्रमा अपने ओज में विकसित होता है, तो तारों की टिमटिमाहट झांकी हो जाती है, अथवा सूर्योदय होते ही तारे नहीं के बराबर हो जाते हैं, ऐसे ही उर्वंशी के प्रकट होते ही सब अप्सराएं निस्तेज जैसी लग। इंद्र देखता ही रह गया, बोले जा, चाहिए तो इसको ले जा, अपने स्वर्ग की शोभा बढ़ा, ये सर्वगुण संपन्न है। तो दोस्तों, अभी 7 मिनट बचे हैं। खैर, वो उर्वंशी नृत्य कला में अद्वितीय थी, शोभा में, रूप में, लावण्य में, हास में, दूसरे के चित्त को प्रसन्न करना, दूसरे के चित्त रूपी पक्षी को पंखे दे देना, उसके पास था कला। लेकिन जब कला बढ़ जाती है, कोई योग्यता बढ़ जाती है और अपने अखंड स्वरूप का स्मरण नहीं होता है, तो परिच्छिन्नता रहती, अहंकार रहता है, और जब अहंकार आता है तो सारी योग्यता पर पानी फिर जाता है। कितना भी पुण्य आत्मा हो, कितना ही धर्मात्मा हो, कितना ही बलवान हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही सत्ताधीश हो, कितना ही धनाधीश हो, लेकिन जब अहंकार आ जाता है तो सारे का सारा गुण अवगुण में बदल जाते। उर्वंशी नृत्य कर रही थी और उसको लगा कि मैं कितना सुंदर नाचती हूं, सुंदर नाचती तो मैं की परिच्छिन्नता आ गई। वो सहज में हो रहा है तो समाधि जैसा सुख, क्रिया सहज में हो रही है तो समाधि जैसा सुख है, लेकिन क्रिया का मूल्यांकन करके और कर्ता बन जाता है तो क्रिया के नीचे स्टेप पर आ जाता है। आप जब ऑफिस में
देश में या परदेश में जहां भी काम करते हो जब आनंद आता है तो समझो कि आप अपने कर्ता भाव को भूले हैं। क्रिया तो हो रही है लेकिन आप अनजाने में भावना के जगत में पहुंचे हैं, अनजाने में आप समाधि के जगत में पहुंचे, तब काम करने में मजा आता है। ड्राइविंग करते करते बहुत मजा आता है और डिसीजन साफ साफ लिए जा रहे हो, आप क्रिया तो कर रहे हैं लेकिन अनजाने में कुछ अंश आप भाव में हो, कुछ अंश आप समाधि में हो, एकाग्र हो, एक रस हो। जब आनंदित हो तो सुहावने डिसीजन आते हैं और जब परेशान हो तो महाराज नई संभावना है, तभी भी एक्सीडेंट हो जाता है। जब तो जिस वक्त जो काम करे दिलचस्पी से करे और काम के लिए काम करे, फल की आकांक्षा के लिए नहीं। जब व्यवहार करते समय हमारी नजर फल पर होती है तो व्यवहार का रस नहीं मिलता। जब हमारी नजर परमात्मा में होती है तो व्यवहार का भी फल सुंदर होता है और अंतःकरण भी शुद्ध होता है। तो महाराज हमारे चित्त को पवित्र करने के तरीके हम जान लें। चित्त मलिन तब होता है कि व्यवहार में फल की आकांक्षा, जगत में सत्य बुद्धि, विषय भोग में आसक्ति और भूतकाल के राग द्वेष का चिंतन। किसी ने सुख दिया उसका राग, किसी ने दुख दिया उसका द्वेष, वर्तमान में विषयों में आसक्ति और भविष्य के शेख चिल्ली के विचार। शेख चिल्ली जैसे घोड़े दौड़ाते रहे तो आदमी के चित्त की योग्यता नाश हो जाती। श्री राम। हकीकत में भविष्य कभी होता नहीं, जब होता है तो वर्तमान में होकर आता है। कल कभी आता नहीं, जब कल आएगा तो आज होकर आएगा। तो जब आज कल को आज होकर आना है तो भविष्य की चिंता और भविष्य में सुखी होने की चिंता ना करें, वर्तमान में अपने चित्त को प्रसन्न रखें। प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, लेकिन वो प्रसन्नता किसी को शोषण करके या किसी की मजाक उड़ाकर जो प्रसन्नता होती है वो ठट्ठा मस्करी है। श्री राम। ठट्ठा मस्करी प्रसन्नता नहीं है, चित्त के प्रसाद को प्रसन्नता बोलते हैं। और चित्त का प्रसाद मिलता है सत्संग से, तो सही प्रसन्नता मिलती है सत्संग से। कुछ आदमी विचार कर रहे थे कि अमृत कहां होगा। दोस्तों आगे आप देखोगे कि केशव किस प्रकार शरारत करता है और मेरा जो टाइम और कम हो सकता था, चलिए आप खुद ही एंजॉय करिए। नहीं 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 अभी नहीं, बाद में बेटा, बाद में। अभी नहीं। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ। घड़ी में नहीं चढ़ना, ठीक है? घड़ी खड़ा करो। उधर सर, इधर 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 वहां पर निशाना, घड़ी पर निशाना। घड़ी पर नहीं छाना, हट जाओ। पापा तुम पापा, मैं तुमसे कुछ करता हूँ। नहीं अभी नहीं, बाद में। अभी नहीं, ठीक है दोस्तों।
कंप्लीट हो गया, अभी एक मिनट बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, केशव आजा, ऊपर आजा, केशव आजा, पुशअप लगाते, केशव आजा, नमस्कार, जय श्री राम।